दोस्तों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अभी तक जो आपको ई श्रम कार्ड से कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपको आपको कोई काम नहीं मिला है, अगर आप काम पाना चाहते हैं अगर और आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जो ई श्रम कार्ड के जरिए आपको पूरा काम करने को मिलेगा। आपको जो उसमें व्यवसाय की पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको क्या काम करना है। और अभी तक आपको ई श्रम कार्ड पर कोई भी लाभ, मतलब किसी भी तरह का लाभ आपको नहीं मिला है, ना ही कोई किस्त या बिना कुछ, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है फॉर्म भर के, और किस तरीके से उसका फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को जो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना भूलना, जिससे अगली वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन अगर मिल जाएगा, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ लेट ना करते समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। वाइफ ने लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ई श्रम लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आएगा ई श्रम होम का, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद ई श्रम कार्ड का जो पोर्टल है इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, रजिस्टर ऑन ई श्रम दिया है, इसी के नीचे अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आएगा अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, तो यही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, और ये जो कैप्चा कोड है इसे यहां पर टाइप करना है, और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना जो आधार नंबर है उसे ये बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। ठीक है, यहां पर आपको ओटीपी को सेलेक्ट करना है, और ये जो कैप्चा कोड है इसे देख करके आपको यहां पर टाइप करना है, और वापस से आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को आपको यहां पर टाइप करना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है कि चेकबॉक्स के ऊपर भूलकर भी आपको क्लिक नहीं करना है, वरना आपका जो ई श्रम कार्ड है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह से तीन ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपको डाउनलोड यूएन कार्ड दिया है, आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड है ये ओपन होकर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यही जो ई श्रम कार्ड है इसे अपने डिवाइस में डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर ऑप्शन दिया डाउनलोड यूएन कार्ड, तो इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका जो ई श्रम कार्ड है आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ई श्रम कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है आगे, इसीलिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वापस से आपको होम पेज पर चले आना है ई श्रम कार्ड के। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो स्कीम है, अलग अलग जो सर्विसेज है, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसी में एक सर्विस दिया है नेशनल करियर सर्विस। ठीक है, तो इसी में आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से पोर्टल ओपन होगा, तो इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। अब यहीं से दोस्तों आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अलग अलग ऑप्शन दिया है। यहाँ पर चाहिए तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन दिया है, उसके साथ साथ फुल टाइम जॉब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफी सारे ऑप्शन दिया है, लेकिन ये सब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में मिल जाता है रजिस्टर, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर एज आएगा, तो सिलेक्ट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है ना, जॉब सीकर, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा यूआईडी टाइप। ठीक है, तो सिलेक्ट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कई डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ई श्रम को सिलेक्ट करना है। ई श्रम कार्ड आपका बना है तो ई श्रम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपने ई श्रम कार्ड डाउनलोड किया था तो उसका नंबर देखकर आपको यहाँ पर टाइप करना है,
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो ई श्रम कार्ड में है वही देख करके दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम टाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करना है, मिडिल नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद जो आपका जेंडर है मेल फीमेल जो भी है इस प्रकार से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन या फिर फादर का नेम टाइप कर देना है। अब आपने कितना एजुकेशन किया है, हाईएस्ट आपका जो एजुकेशन है उसे दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर आ जाता है और यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड उसे टाइप कर देना है, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं दोबारा से पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर लेना है। जिसके बाद आप यूजर नेम किसको बनाना चाहते हैं, ईमेल आईडी को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी का ऑप्शन है, इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप अभी क्या करते हैं, अगर बेरोजगार है तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड आएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास क्या क्या स्किल्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, किस किस चीज का आपके पास स्किल्स है वो सब आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जिसके बाद नीचे आएंगे, अगर आप इंटरनेशनल जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे जो है नो कर देंगे, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पर आप टाइप कर देना। जिसके बाद ये जो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे देख करके दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर कंसेंट देना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों वापस से आपको इस वाले पेज पर चले आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको जॉब करना है घर बैठे काम करना है तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम दिया है, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब किस प्रकार का आप जॉब करना चाहते काम करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं उसे यहाँ पर टाइप करेंगे, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो जीरो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है, सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग जो जॉब वैकेंसी है ये आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। अब जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए उसके आगे अप्लाई का बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये अप्लाई का बटन, तो इसी वाले अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पूरा जॉब का जो इन्फॉर्मेशन है ये ओपन होकर आ जाता है। प्राइवेसी रीजन की वजह से यहाँ पर मैं सारी चीज आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरा डिटेल दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आप 12th पास हैं तो भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रेशर है वो भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर लोग भी अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर पूरा रिक्वायरमेंट देखेंगे, मोबाइल नंबर मिल जाता है, हर एक चीज दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई का बटन है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप घर बैठे काम कर सकते हैं और ई श्रम कार्ड के जरिए महीने का अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।